हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स आज के एपिसोड में हम पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे विद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोर्स आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन तो सो so फार हम इस चैप्टर में ट्वेल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज का यूज़ किया था तो अभी का क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज थ्रोन एट अ स्पीड यू अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई देखिए क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर आ, हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को ये हमारा क्या है एक चार्ज पार्टिकल उसको यू स्पीड से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो किया गया है ठीक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो किया गया है और कितना डिस्टेंस वो चार्ज पार्टिकल कवर करेगा बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट रेस्ट पे आने से पहले तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा पार्टिकल पहले मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू एंड बाद में रेस्ट में आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होगी तो इट इट शुड प्रोड्यूस सम एक्सेलरेशन तो वो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन एफ फिजिकल्स टू एम ए वो इतना एक्सिलेशन प्रोड्यूस करेगा ये चार्ज पार्टिकल और क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा उस फील्ड में आएगा तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा कितना फोर्स लगेगा क्यू ई ओके तो मैंने इसलिए मैंने आज के टॉपिक में लिखा है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड फोर्स तो दिस इज द ओनली द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड फोर्स ए फिकल्स टू क्यू ई ओके नाउ हम यहाँ से उसका एक्सेलेशन प्रोड्यूस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा अब तो बहुत सिंपल ही नाइन्थ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन गया आपके पास देखिए यू हमें इनिशियल वेलोसिटी यू है फाइनल वेलोसिटी वी है एक्सिलरेशन क्यू ई बाई है और अ, हमें फाइंड आउट क्या करना है डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो फाइंड आउट करना है तो बताइए कौन सा रिलेशन लगाइएगा इसमें वी स्क्वायर माइनस यू टू टू एस लगा देते हैं वी हमारा यहाँ पर जीरो है ठीक है v हमारा जीरो है और u जो है हमारा u स्क्वायर है अच्छा यहाँ एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है सो वेलोसिटी रेस्ट पर आ रहा है मींस वेलोसिटी डिक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज मतलब एक्सेलरेशन आप यू कैन टेक एक्सेलरेशन नेगेटिव राइट नाउ एस हमें एस फाइंड आउट करना है नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया मेरा तो मुझे डिस्टेंस निकालना है यू स्क्वायर एम अपॉन टू क्यू ई तो ये मेरा क्या आ जाएगा एम यू स्क्र अपॉन टू क्यू ई ये मेरा डिस्टेंस ट्रैवल आ गया तो पार्टिकल रेस्ट पर जब आएगा रेस्ट पे आने से पहले वो पार्टिकल इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा एम यू स्क्र अपॉन टू क्यू ई वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज है उस पार्टिकल का यू इज द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एंड एंड इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन पार्टिकल ऑफ मास चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर था रेस्ट से उसको क्या किया गया है पार्टिकल को रिलीज किया गया है फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इट अटेन आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस एक्स बिटवीन द प्लेट्स तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये फाइंड करना है तो बहुत सिंपल अगर हम उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें कि अगर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने पे वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर करता है देन वी कैन यूज़ द फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी राइट तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरह से आपको लेना है यहाँ पर यह पार्टिकल रेस्ट से रिलीज हो रहा है और वहाँ पे उसके खुद की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी यू थी जिससे कि वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ था तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है फाइनल वेलोसिटी अगर उसका वी हो रहा है तो है यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो एक्सेलरेशन हम क्या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सेम रिलेशन से ठीक है जब एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इतना फोर्स एग्जर्ट करेगा और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीरेशन उसमें कितना होगा एफ इक्वल टू एम ए फॉर्मूले से दोनों को इक्वल कर लेंगे हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था तो एक्सिलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा ये अब हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क् टू ए एस डिस्टेंस जो दे रखा है आपको एक्स डिस्टेंस ट्रैवल दिया हुआ है यू ज़ीरो है आपके पास ठीक है और यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ बाकियों की वैल्यू पुट कर देती हूँ ए और एक्स की तो वी स्क्वायर वी स्क्वायर एम अपॉन क्या हो जाएगा टू क्यू ई सॉरी वी स्क्वायर का ही हमें वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है ठीक है तो मैंने वेलोसिटी का वेलोसिटी फाइंड कर दी और ना आई नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है तो हाफ एम वी स्क्वायर तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट ये पुट कर सकते हैं क्यू ई एक्स एम 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 कैंसिल आउट टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा तो कानीटिक एनर्जी वो कितनी अटेंड करेगा क्यू ई एक्स ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इज़ चार्ज और एक्स जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतने डिस्टेंस के बाद डिस्टेंस पर ट्रैवल करने पे इसकी कानीटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी क्यू ई एक्स सो so, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू चार्जेस ईच ऑफ वन माइक्रोकुलम बट अपोजिट इन साइन ओके तो हमारे पास दो चार्जेस हैं ईच ऑफ चार्ज वन माइक्रोकुलम बट अपोजिट इन साइन ओके सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर जैसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमने वैसा कर दिया ओके टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द एक्से लाइन ऑफ द डायपोल मीन्स यहाँ पे ओके ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से सेंटर ऑफ द डायपोल से टेन सेंटीमीटर पे है ओके वी नीड टू फाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ड्यू टू डायपुल हमारे पास फार्मूला होता है के पी बाय के इंटू टू पी बाय आर क्यू लेकिन ये फार्मूला हम किसके लिए लगाते हैं एक्सियल पॉइंट के लिए लगाते हैं है, लेकिन कब ये फॉर्मूला लगता है जब हमारा आर जो है वो ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो ए के कंपैरिजन में a is what the distance between the center of the dipole uh, center of the dipole to either of its charge ठीक है यानी o से a का distance या o से b का distance मैंने यहाँ पर a लिया है और r is the distance from the center of the dipole यहाँ से जहाँ पे electric field find करनी है वहाँ तक का distance है ठीक है ये हम आप लोगों ने डराइव किया होगा ये फार्मूला एक्सियल पॉइंट के लिए एक्सियल पॉइंट के लिए ए, पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज नहीं कर सकते बिकॉज इफ सी हेयर ए इज माई हाउ मच जो ए है मेरा वो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है एंड आर इज माई टेन सेंटीमीटर ए इज़ 0.5 सेंटीमीटर एंड आर इज 10 सेंटीमीटर ए क्या लेंगे वन सेंटीमीटर का हाफ तो 0.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में बहुत बहुत लेस नहीं है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे जो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है के टू पी p पी डायपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर ये डिस्टेंस हमारा बहुत लार्ज होता तब हम वो डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे ठीक है तो ये हमारा फो ये इसकी वैल्यू के क्या होगा हमारा वन अपॉन फोर पाई ई नॉट टू पी क्या होगा पी इज़ क्यू इंटू टू ए डायपोल मोमेंट कितना होता है क्यू इंटू टू ए मेरा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है क्यू इंटू टू ए मीन्स डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस जो कि मुझे वन सेंटीमीटर गिवन है अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर चलिए अभी ऐसा ही सिस्टम में वैल्यू सब्सटीट्यूशन का काम कर देते हैं ठीक है टू इंटू क्यू इज वन इंटू टेन एज टू पावर माइनस सिक्स इंटू टू ए वन सेंटीमीटर है बट वन इंटू टेन की पावर माइनस टू लूंगी आर हंड्रेड सेंटीमीटर है तो हंड्रेड इंटू टेन एज टू माइनस टू लूंगी अपॉन यहाँ आर इज टेन इंटू टेंड एस टू माइनस टू माइनस इसका होल स्क्वायर माइनस ए ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू टेंड एस टू माइनस टू और इसका होल स्क्वायर राइट ओ सॉरी इसका होल स्क्वायर और इस होल का स्क्वायर ठीक है तो अब इसके बाद हम बहुत सिंपल है कैलकुलेशन करेंगे इसका ये चीज़ बहुत अच्छे से सिंपलीफाई कर सकते हैं ठीक है फिर माइनस करके उसका टू टाइम्स स्क्वायर कीजिएगा एंड ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे हम तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा एटीन इंटू टेन डेज टू पावर फोर न्यूटन पर कुलम ओके तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे ड्यू टू डायपोल एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो अगर ये डिस्टेंस लार्ज होता सपोज कीजिए 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर तक होता तब हम जो फार्मूला यूज़ करते उस केस में ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते एक्चुअली में हम यही जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं एग्जियल पॉइंट के लिए बट डिस्टेंस इज फाइव सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर तक डिस्टेंस है जो कि इसके कंपेरिजन में निगलेक्ट नहीं कर सकते बहुत बहुत ग्रेटर नहीं है तो हम नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं टू चार्जेस है हमारे पास माइनस ट्वेंटी माइक्रोकुलम प्लस ट्वेंटी माइक्रोकुलम ठीक है सेपरेटेड बाई डिस्टेंस वन सेंटीमीटर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल ये सेंटर ऑफ डायपोल है ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ये 50 सेंटीमीटर पे है तो यहाँ मेरे पास जो है 2a जो है 1 सेंटीमीटर है और r जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ मैं कह सकती हूँ r इज़ ग्रेटर देन a ठीक है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर पा यहाँ पी नहीं होता टू पी नहीं होता सिर्फ पी होता है इक्वेटोरियल पे और एक्जियल पे टू पी ठीक है अच्छा तो ये कितना हो जाएगा नाइन इंटू टेंडेस टू पावर नाइन ये क्यू इंटू टू ए डायरेक्ट लिखेंगे अपॉन आर क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाइन इंटू टेंडेस टू पावर नाइन इंटू वट इज़ क्यू टू इन ट्वेंटी टू टेन की पावर माइनस सिक्स टू इज द डिस्टेंस डायरेक्ट इसका हाफ नहीं करना है लेकिन सेंटीमीटर में है तो मीटर्स में लेना पड़ेगा और ये फिफ्टी टू टेन की पावर माइनस टू और इसका होल क्यूब ठीक है क्योंकि ये भी मेरा डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो मुझे इसको मीटर्स में लेना है ठीक है इसको आप बाकी सॉल्व करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रॉक्स इतना आंसर मिलेगा तो इसको सॉल्व कीजिए आ जाएगा तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे हमारा क्या रहता है वन अपॉन फोर बाई ई नॉट टू पी बाय आर क्यूब एक्सियल पे याद रखेंगे और इक्वेटोरियल पे वन बाय फोर बाई ई नॉट अपॉन आर क्यूब तो ये रिलेशन में या फिर कंसेप्चुअल में आपसे किस तरह से भी करके पूछा जा सकता है तो बार बार फॉर्मूलाइजेशन करते रहिए तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी आइए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं वोट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डू टू डायपोल मूवमेंट टू इंटूटी

डेफ़िनेटली ये टू इक्वल एन अपोजिट चार्ज से बना होगा इसका सेंटर है ठीक है सेंटर से हमें यहाँ पर कहाँ पर एंगल मतलब किस पॉइंट जो है अभी मैंने फ़र्स्ट केस में जो पॉइंट लिया था दैट इज़ ऑन एक्जियल लाइन मतलब ऑन द सेम लाइन था सेकेंड केस में इक्वटोरियल पर फाइन किया अभी बोला है कि ये जो कोई भी किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन करना है बस इतना बोला है कि ये ये जो है डायपोल एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है पहले हमने केस में जो किया था ड्यू टू तो डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे था पी सेकेंड केस में जो किया था इक्विटोरियल पॉइंट पे था इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के टू पी बाय आर क्यूब इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए ए और आर आपको पता चल गया ए इज द दिस डिस्टेंस दिस एंड आर

ये होगा हमारा फॉर्मूला आप कंडीशन सब्स्यूट करके देख सकते हैं फॉर एक्जियल थीटा विल बी ज़ीरो थीटा इफ थीटा इज देन ये मेरा फोर हो जाएगा क्योंकि कॉस थी कॉस जीरो मेरा वन होता है तो ये फोर फोर ये टू पी हो जाएगा तो के टू पी बार्यू वो कंडीशन आ गई सेकेंड केस में अगर थीटा ना इस इक्वेटोरियल के लिए थीटा नाइन्टी डिग्री होगा अगर ये पी पॉइंट हमारा एग्जैक्टली exactly यहाँ पर आ जाए तो 90 होगा तो ये जीरो तो यहाँ पे वन तो p अपॉन आर क्यूब के पी अपन आर क्यूब तो ये हमें फाइंड आउट करना है आपको किसके लिए 90 डिग्री के सॉरी एट एनी एंगल ठीक है नाइन इंटू टेन एस टू पावर नाइन पी हमें डायरेक्ट गिवन है p क्या गिवन है टू इंटू टेन एस टू पावर माइनस एट कुलीटर और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे निकालना है ये डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है वन मीटर गिवन है और थीटा एंगल 60 डिग्री गिवन है ठीक है तो थ्री कॉस स्क्र सिक्सटी प्लस वन अपॉन आर क्यू वट इज आर वन मीटर वन क्यू तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा अब आपके लिए नाइन इंटू टेन वन नाइन ये मेरा कितना हो जाएगा थ्री इंटू कॉस सिक्सटी वन बाय टू वन बाय टू का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वन नाइन इंटू टेन एज टू पावर नाइन और ये मेरा हो जाएगा थ्री बाय फोर प्लस वन ठीक है इसको ऐड करेंगे तो रूट सेवन बाय फोर रूट सेवन बाय फोर हो जाएगा रूट सेवन बाय टू तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है तो आपका इसका जो अप्रॉक्स आंसर इसका बनेगा टू थर्टी एट पॉइंट वन न्यूटन पर परकुलम याद रखें अगर यहाँ तक भी लीव कर रहे हैं तो ऐसे नहीं बिना यूनिट के आंसर को कभी भी लीव नहीं करना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट जरूर मेंशन कीजिए तो आज का एपिसोड में हमने देखा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें मैंने आपको तीन अलग अलग केसेस दिखाया ठीक है इक्वेटोरियल पे एक्जियल पे और एनी एंगल पर और साथ में हमने किया रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड फोर्स मतलब हमारे पास जो होता है फ़ोर्स एंड फील्ड में रिलेशन क्या होता है ए फिजिकल्स टू क्यू ई तो आज का लेक्चर हम इसी के इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम न्यू कंसेप्ट टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग